मैं अपनी जिंदगी की राहों में कुछ ऊंचे-ऊंचे पहाड़ ढूंढता हूँ, बादलों के बीच कुछ बारिश की बूंदें, कुछ ठंडी हवाएं ढूंढता हूँ, तेरी ओर ले जा सके जो ऐसी कुछ दिशाएं ढूंढता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ खूबसूरत दार्जिलिंग की, जिसके चाय के बगीचे और खूबसूरत हिमालय पूरी दुनिया भर से सैलानियों को अपनी तरफ खींचते हैं। आज मैं आपको बताता हूँ, अगर दार्जिलिंग जाने का आप प्लान करते हैं तो सबसे पहले आता है कि दार्जिलिंग जाया कैसे जाए, वहाँ जाने का क्या तरीका होना चाहिए, कितने दिन का वहाँ का टूर पैकेज होना चाहिए और वहाँ सर्किट में कौन कौन सी जगह है आप घूमें। दोस्तों कहीं भी घूमने जाते हैं तो वहाँ पे सर्किट में जगह होती है, सर्किट से मतलब एक दो तीन जगह घूम के आते हैं। जैसे हम आगरा जाते हैं तो आगरा के पास मथुरा है, फतेहपुर सिकरी है, इसी प्रकार से अगर आप दार्जिलिंग घूमने जाते हैं तो दार्जिलिंग गैंगटॉक ये दोनों एक सर्किट में है और सर्किट में ही इनको देखा जाता है। तो अगर आप दार्जिलिंग किसी टूर पैकेज से जाएंगे या फिर खुद से भी जाएंगे तो यही एक रहेगा पैकेज में, जो ये 5 दिन का दार्जिलिंग का जो पैकेज होता है घूमने का, फोर डेज 5 नाइट का ये एक पैकेज होता है। और इस पूरे पैकेज में आपको टैक्सी, होटल, साइट सीइंग, ब्रेकफास्ट, डिनर और ये सारा चीज़ें घुमाएं। आप किसी भी टूर ऑपरेटर से लेंगे तो वो भी यही देगा, आप चाहे तो हमें भी बता। तो मैं बताता हूँ आपको कि कैसे दार्जिलिंग आप घूम सकते हैं इन 5 दिनों में, क्या यहाँ का होता है। दोस्तों सबसे पहले तो आता है दार्जिलिंग पहुंचा कैसे जाए। अब दार्जिलिंग पहुंचने के दो तरीके, अगर आप नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया कहीं से भी आ रहे हैं दार्जिलिंग में एंट्री करने के, सबसे पहले है ट्रेन से। ट्रेन से अगर आएंगे तो आप, मैंने एक इस इमेज और मैप के हिसाब से आपको समझाता हूँ मैं। अगर आप सबसे पहले आएंगे तो आप आएंगे ट्रेन से, आ रहे हैं तो न्यू जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी आप आएंगे, दोनों पास पास है, 4-5 किलोमीटर के अंदर जो रेलवे स्टेशन है उसे न्यू जलपाईगुड़ी कहा जाता है, शहर को सिलीगुड़ी कहा जाता है। तो आप न्यू जलपाईगुड़ी पहुंच जाएंगे। न्यू जलपाईगुड़ी से अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो ये सबसे नज़दीक है, इसके बाद शुरू होगा। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो बागडोगरा एयरपोर्ट ये सबसे नज़दीक है, ये दो कम से कम 100 किलोमीटर की दूरी पे है दार्जिलिंग से। तो यहाँ आप पहुँच जाएंगे बागडोगरा से, फिर आपकी जर्नी शुरू होगी। यानी पहुँचने के दो तरीके हैं, बाय फ्लाइट या बाय ट्रेन। बाय फ्लाइट आएंगे बागडोगरा एयरपोर्ट आएंगे, जिससे जो दार्जिलिंग से 100 किलोमीटर दूर है। बाय ट्रेन आते हैं तो न्यू जलपाईगुड़ी पहुँचेंगे, न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग जो है, सिलीगुड़ी न्यू जलपाईगुड़ी पहुँचेंगे, जो है वो है करीबन 70 किलोमीटर के आसपास है, 70-75 किलोमीटर के आसपास, तो 2-2.5 घंटे का सफ़र होता है। आइए आप जानते हैं इस पूरे 5 दिन के पैकेज में कैसे काम करता है पूरा तो इसमें सबसे पहले दिन अगर आप आते हैं ट्रेन से या बस से, आपको टैक्सी सिलीगुड़ी या फिर बागडोगरा एयरपोर्ट से ही पिकअप कर लेती है, उसके बाद वो आपको ले जाती है पहले दिन दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में आप होटल पर रुकते हैं, क्योंकि जो दूरी है वो करीबन 100 किलोमीटर की है, तो पूरा दिन जो 3 घंटे, 2 से 3 घंटे ट्रैवल में लग जाते हैं, फिर आप थक जाते हैं। रास्ता बहुत सीनरी का खूबसूरत है, देखते हुए आप आ सकते हैं। फिर दूसरा दिन आप होटल में ही रुकेंगे, दार्जिलिंग का लोकल साइट सीइंग करेंगे। और तीसरे दिन जो होता है, दार्जिलिंग से जाते हैं गैंगटॉक। गैंगटॉक 110 किलोमीटर की दूरी पर गैंगटॉक है और 4 घंटे की ये लगभग जर्नी हो जाती है। तीसरे दिन आप गैंगटॉक पहुंच जाएंगे सुबह जल्दी जाके, गैंगटॉक में लोकल साइट सीइंग करेंगे गैंगटॉक की जगह। और चौथे दिन, तीसरे दिन भी गैंगटॉक होटल में ही रुकेंगे, और चौथे दिन जो है वो आप गैंगटॉक पे जो चांगू लेक है जो बर्फ से ढकी रहती है उधर जाते हैं, और चौथे दिन भी वापस गैंगटॉक में होटल में ही रुकेंगे। और पांचवें दिन जो है वापस गैंगटॉक से या तो बागडोगरा एयरपोर्ट के लिए वापस आ जाते हैं, और या फिर सिलीगुड़ी न्यू जलपाईगुड़ी आप आ जाएंगे, जो आपका रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट है वहाँ के लिए आ जाएंगे। तो इस प्रकार से इस पूरे पैकेज में टैक्सी, होटल में रुकना, साइट सीइंग, गैंगटॉक, दार्जिलिंग, ये पूरा एक साथ दिया जाता है। यानी 2 दिन इसमें गैंगटॉक हो जाते हैं, 2 दिन दार्जिलिंग, और 1 से 1.5 दिन आपका पूरा ट्रैवल में लग जाता है। तो ये पूरा पैकेज रहता है। तो दोस्तों ये तो था 4-5 दिन का पैकेज कहाँ कहाँ ऊपर लेवल पर। अब मैं आपको थोड़ा इसका डे वाइज ब्रेकडाउन बता देता हूँ थोड़ी सी डिटेल में, ताकि आपको पता लगे कैसे ये जाया जाता है। अब जैसे मैंने पहला दिन आपको बताया, पहला दिन क्या होता है,
आप पहुंचे बगडोगरा एयरपोर्ट या फिर न्यू जलपाईगुड़ी, वहां से आपका ट्रांसफर किया जाता है दार्जिलिंग के लिए, जो कि लगभग 3 से 3.5 घंटे का दूरी है। आप एयरपोर्ट से आएंगे या फिर रेलवे स्टेशन से आएंगे तो 105 किलोमीटर दार्जिलिंग पे पहुंचेंगे, और उस रात को पहले दिन आप थक जाएंगे, होटल पे ही रुकेंगे। जो दूसरा दिन होता है, दूसरे दिन आप दार्जिलिंग का लोकल साइट सीइंग करेंगे। इसमें टाइगर हिल है। टाइगर हिल जाने के लिए आपको सुबह 3:30 बजे उठना पड़ेगा टाइगर हिल, क्योंकि थोड़ा वहाँ पर सनराइज देखना होता है। तो सुबह सुबह आप जाएंगे बिल्कुल ओक के जंगलों से, और 8,000 फीट की ऊंचाई पर है टाइगर हिल, वहाँ देखेंगे। और तिब्बतियन मॉनेस्ट्री है, शांति स्मारक है, और बटासिया लूप है, ये सब आप देखेंगे। इसके बाद जो दूसरे दिन में आप और भी कई चीज़ें देखते हैं, बहुत सारी जो जो दार्जिलिंग में चीज़ें हैं, जूलॉजिकल पार्क है, हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है, टी एस्टेट है, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम। तो दूसरा दिन भी आपका दार्जिलिंग की साइट सीइंग में चला जाता है। यानी दूसरा दिन सुबह 3:30 बजे से लेकर शाम के 6-7 बजे तक आप सब ये करेंगे और दार्जिलिंग को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर लेंगे। तीसरा दिन इसमें होता है दार्जिलिंग से गैंगटॉक का सफ़र। दार्जिलिंग से गैंगटॉक 110 किलोमीटर की दूरी पर। ब्रेकफास्ट करने के बाद होटल से चेकआउट होके जितनी जल्दी आप निकल सकें उतना अच्छा है। ये जो रास्ता है दार्जिलिंग गैंगटॉक का, ये बहुत खूबसूरत है। रास्ते में हिमालय की चोटियाँ दिखेंगी आपको, कई जगह झरने और ये सब भी दिखाई देंगे। होटल में चेक इन कर लेंगे। यानी अगर सुबह निकल गए 9 बजे तो 1 बजे तक, 8 बजे पहुँच गए, 1 बजे तक गैंगटॉक पहुँच जाएंगे। और गैंगटॉक पर उस दिन, क्योंकि आधा दिन आपके पास बचा होगा, गैंगटॉक पर लोकल साइट सीइंग करेंगे। गैंगटॉक बहुत खूबसूरत शहर है, सिक्किम की राजधानी है। आप यहाँ पर नाम नांग पॉइंट है, मोनिस्ट्रीज है, वाटरफॉल है, बर्थांग वाटरफॉल है, फ्लावर शो, हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम रिसर्च इंस्टीट्यूट ये देख सकते हैं, और बहुत सारे स्तूपा है, और आप केबल कार में भी राइड कर सकते हैं। तो ये सब देखेंगे। उसके बाद गैंगटॉक में उस दिन तीसरा दिन रात को गैंगटॉक पे ही होटल पे आप रुक जाएंगे, क्योंकि तीसरा दिन दार्जिलिंग से आए तो आधा दिन तो आपके ट्रैवल में लग गया। आधे दिन में आप सब गैंगटॉक पे ये सारी चीज़ें देखेंगे जो गैंगटॉक की साइट है। चौथा दिन आप बहुत ही खूबसूरत और स्पेशल जगह जाएंगे। गैंगटॉक से करीबन 35-40 किलोमीटर दूर चांगू लेक है। ये लेक क्यों इतनी खास है? ये लेक ज़्यादातर साल भर बर्फ से ढकी रहती है। यानी आप यहाँ पे अप्रैल के महीने में भी जाएंगे तो आपको ये बर्फ से ढकी हुई मिलेगी। और ये करीबन 12,000 फीट की ऊंचाई पे ये लेक है। तो आप लगा सकते हैं यहाँ पे किस ऊंचाई पे है, एक बाबा मंदिर भी है वो इससे थोड़ा सा और ऊंचाई पे, तो वहाँ काफ़ी मान्यता है, आप जाके वहाँ पे पूजा अर्चना कर सकते हैं। अंडाकार आकार की ये झील है, 50 फीट गहरी है, बर्फ़ देखने के लिए परफेक्ट जगह है। और गर्मियों में, सर्दियों में, जनवरी ये मान के चलिए आप नवंबर से लेके यहाँ पे मार्च अप्रैल तक आपको अच्छी खासी बर्फ़ मिलेगी। और एकदम गर्मियों में जाते हैं तो यहाँ पर झील के चारों तरफ मतलब मई जून में जाएंगे तो फूल खिले हुए, बहुत खूबसूरत फूल खिले हुए आपको दिखाई देंगे, और सामने हिमालय की चोटियाँ आपको दिखाई देंगी। तो ये सब है। तो वापस चौथे दिन ये झील देखने के बाद वापस होटल में आ जाएंगे। रास्ता तो 40 किलोमीटर पर आना जाना रास्ता खूबसूरत है, छोटा रास्ता है, यानी सड़क नैरो होती है तो टाइम लग जाता है यहाँ। तो ये आपके 4 दिन का, 4 नाइट्स का टूर दार्जिलिंग का यहाँ तक पूरा हो गया। अब जो पांचवा दिन होता है वो गैंगटॉक से आप सीधे पहुँचेंगे जो आपका डिपार्चर प्लेस है वो, यानी अगर आप ट्रेन से आए हैं तो न्यू जलपाईगुड़ी आपको ड्रॉप कर दिया जाएगा टैक्सी से, और अगर आप फ्लाइट से आए हैं तो बटोगरा एयरपोर्ट आपको ड्रॉप कर दिया जाएगा। 3.5 किलोमीटर का, 135 किलोमीटर का ये सफ़र होगा। 4.5 घंटे के आसपास की ड्राइव होगी। ये ड्राइव भी बहुत खूबसूरत है, रास्ता बहुत खूबसूरत, तो यहाँ भी आप जगह जगह रुक के फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका 4 नाइट 5 डेज का ये जो टूर होता है दार्जिलिंग का और गैंगटॉक का, ये समापन हो जाता है। तो इस पूरे सर्किट में आपके पास 2 दिन दार्जिलिंग आप घूमे, 2 दिन गैंगटॉक, और 2 दिन आपके ट्रैवल में लग गए, यानी 1 दिन दार्जिलिंग से,
एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग से गैंगटॉक और ये सारा चीज़ें। तो आप चाहें तो ये टूर खुद से भी प्लान कर सकते हैं, जा सकते हैं। अगर आपको घूमने जाना है तो आप हमारी मदद भी ले सकते हैं इन दिए हुए नंबरों पर या फिर इन पर कॉल कर सकते हैं, तो हम आपके लिए दार्जिलिंग गैंगटॉक की टूर प्लानिंग कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और अगर आपको इस पर कुछ कमेंट्स या कोई सुझाव है तो वो कमेंट सेक्शन में जाके आप दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।